हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसके जो सिम्टम्स है, हेडेक ही क्यों हो जाता है, नोशिया क्यों आता है, सीजर्स क्यों आते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अल्सो ब्रेन के कौन से लोब को अफेक्ट किया तो आपका स्पीच जो है वो आपका हैमर होता है, या आपको राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती है, आपके जो इम्बैलेंसिंग है वो क्यों हो जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने एक जनरल ब्रेन के सिम्टम्स का इन शॉर्ट में वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। ये जो वीडियो रहेगा ये डिटेल में वीडियो रहेगा। सो जनरली कॉमन सिम्टम्स क्या रहेगा, हेडेक रहेगा, सीजर रहेगा, ओमिटिंग रहेगा, देन कॉग्निटिव चेंजेस रहेगा, विजन को प्रॉब्लम रहेगा, देन स्पीच को प्रॉब्लम रहेगा। ये जो जनरल चेंजेस है वो आपको ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो ये जो ट्यूमर है वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, उसके ऊपर वो कौन से एक्टिविटी को खराब करने वाला है या कौन से एक्टिविटी में प्रॉब्लम आने वाला है, ये डिपेंड रहता है। तो हमने ऑलरेडी ब्रेन जो है उसके पार्ट्स भी देखे हैं और उसके पार्ट्स में लोब्स क्या क्या रहते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ब्रेन एनाटॉमी के ऊपर किया है। वहाँ पे आपको बताया है कि ये जो पार्ट्स रहते हैं वो कौन से रहते हैं। सो सबसे पहले जो है वो आपका विजन प्रॉब्लम रहेगा, आपको दिखाई देने में दिक्कत आ जाती है। सो ये जो है इसको ऑप्टिक लोब बोलते हैं, यहाँ पे ट्यूमर रहेगा, या आपके ऑप्टिक नर्व्स मीन्स आपकी जो आँख है उसकी जो नर्व रहती है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। देन यहाँ पे ब्रेन के बेस में एक ग्लैंड रहती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वहाँ पे जब ट्यूमर रहेगा तो ये जो ट्यूमर है वो आपके विजन को अफेक्ट करेगा। सो यहाँ पे जो येलोइश कलर का दिख रहा है जिसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं, वहाँ पे भी ट्यूमर रहेगा तो उसमें भी आपको दिखाई देने में दिक्कत रहेगी। तो ऑक्सीपिटल लोब में, देन टेम्पोरल लोब में, पिट्यूटरी में, या आपके आँख की जो नर्व है ये लोकेशन पे जब आपको ट्यूमर रहता है तो आपको विजन का प्रॉब्लम रहेगा। देन स्पीच, अभी ये स्पीच, रीडिंग, राइटिंग में डिफ़िकल्टी कब रहेगी आपको, जब आपका ये जो ट्यूमर है वो टेम्पोरल और पैराइटल लोब में रहता है। टेम्पोरल कौन सा है, ये जो येलो कलर का है, वहाँ पे जब ट्यूमर रहेगा तो आपको स्पीच में या राइटिंग में डिफ़िकल्टी रहेगी। अल्सो ये जो पैराइटल पार्ट है, यहाँ पे जो ग्रीनिश कलर का दिख रहा है, यहाँ पे भी जब ट्यूमर की लोकेशन रहेगी तो आपको स्पीच में, रीडिंग में, राइटिंग में डिफ़िकल्टी रहेगी। तो अभी आपको समझ में आया, विजन जो है वो आपका ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्टिक नर्व जो है वो भी विजन को कंट्रोल करती है। स्पीच जो है वो पैराइटल और टेम्पोरल लोब जो है वहाँ पे जब प्रॉब्लम्स आ जाती है, वहाँ पे जब ट्यूमर रहता है तो आपका स्पीच अफेक्ट होता है, रीडिंग राइटिंग में डिफ़िकल्टी रहती है। तो हेयरिंग प्रॉब्लम में जो आपकी क्रैनियल नर्व रहती है, 12 क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से अराइज होती है, और वो जो क्रैनियल नर्व्स है वो ब्रेन के कौन से एरिया से अराइज होती है, तो वहाँ पे जब ट्यूमर रहता है तो ये जो ट्यूमर है वो हेयरिंग में अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो पॉन्स एरिया है, यहाँ से जब आपके क्रैनियल नर्व्स अराइज होते हैं वो, और ये क्रैनियल नर्व में जब ट्यूमर रहेगा वो आपको हेयरिंग में डिफिकल्टी रहेगी। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे जब ट्यूमर रहेगा, ये जो ऑप्टिक चायज्मा है वहाँ पे ट्यूमर रहेगा तो विजन को प्रॉब्लम रहेगी। देन ये जो पॉन्स है वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा, यहाँ पे ट्यूमर रहेगा तो आपको हेयरिंग में प्रॉब्लम रहेगा। अल्सो ये जो येलोइश कलर का दिख रहा है, टेम्पोरल लोब कान के नीचे बराबर रहता है, यहाँ पे जब ट्यूमर रहेगा तब भी आपको हेयरिंग में प्रॉब्लम रहेगा। देन सॉल्विंग प्रॉब्लम, अभी आपको निगलने में तकलीफ कब होगी, कहाँ पे ट्यूमर रहेगा, तो सेरेबेलम के वहाँ पे, और जहाँ से क्रैनियल नर्व्स अराइज रहती है, मीन्स ये जो आपको वायलेट कलर का दिख रहा है ये आपका सेरेबेलम है, यहाँ से जब ट्यूमर अराइज होता है तो आपको सॉल्विंग में डिफ़िकल्टी होती है। जब आपको पैर में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, तब आपको ये जो ट्यूमर रहता है वो आपके छोटा ब्रेन में, इसको लिटिल ब्रेन बोलते हैं, सेरेबेलम में, जो अभी मैंने आपको देखा। देन फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब कहाँ पे रहेगा, आपका जो फोरहेड है उसके पीछे का जो पार्ट रहता है उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, और जो आपका ब्रेन स्टेम रहेगा मीन्स जहाँ आपका ब्रेन एंड हो जाता है वहाँ पे ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। यहाँ पे जब ट्यूमर रहेगा मूवमेंट्स में प्रॉब्लम रहेगा, हाथ को पैर में हिलाने में आपको प्रॉब्लम रहेगा, दिक्कत रहेगी। अनबैलेंस इशू,
अभी ये जो बैलेंस इशू है कि आप चलते हैं तो आपको लगता है कि मेरा बैलेंस जा रहा है, जब आपके टिल ब्रेन में, जब आपको या आपके ब्रेन स्टेम में और बेस ऑफ ब्रेन में जब ट्यूमर रहेगा तो बैलेंस का इशू रहता है। देन फेशियल नमनेस, वीकनेस और ये पेन जो रहता है वो आपको जो ब्रेन स्टेम है वहाँ पे, जो मैंने आपको ब्रेन का स्ट्रोक बोला था, वहाँ पे जब ट्यूमर रहेगा तो आपको फेस में नमनेस, फेस में ऐसा आपको लगता है कि मुंगी आया, हैवीनेस रहता है फेस में वीकनेस आ जाता है और फेस को पेन होता है ड्यू टू ब्रेन स्टेम ट्यूमर। सो ऐसे ही फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब में जब ट्यूमर आ जाता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? स्पीच में प्रॉब्लम होती है, विजन में प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। सो ऐसा जो ब्रेन ट्यूमर कहाँ पे है इसके ऊपर इन जनरल आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसको इनहिबिट करता है ये ट्यूमर। देन हमने क्या देखा था, हेडेक हो जाता है। सो हेडेक इज अ कॉमन सिम्टम्स इन ब्रेन ट्यूमर। हेडेक जो है वो क्या करता है, कॉमन सिम्टम्स है आपके ब्रेन ट्यूमर में। जो ब्रेन है वो स्कल में सिचुएटेड है। सो कौन सा भी ट्यूमर रहेगा, छोटा भी ट्यूमर रहेगा, तो वो क्या करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा। आपने देखा होगा आपके पैर को आपने दबाया तो उसमें क्या होता है, आपको पेन होता है। आपकी जो नर्व्स है वो आपके ब्रेन को बताती है कि लिमिटेशन के बाहर आप आपके पैर को दबा रहे हैं। सो ये जो है वो आपको पेनफुल नेचर रहता है। वैसा ही जब ये ट्यूमर आपके ब्रेन के सेल्स को कंप्रेस करता है तो इसमें प्रेशर आ जाता है और इसकी वजह से जो सेंसिटिव सेल्स रहते हैं और ब्लड वेसल रहती है उनमें प्रेशर आ जाता है और आपको हेडेक हो जाता है। ये जो ब्रेन ट्यूमर है उसमें क्या होता है, आपका ब्रेन है उसके अराउंड क्या है, CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी ये ट्यूमर कहाँ पे भी बढ़ गया तो क्या करेगा, साइज बढ़ेगी और ब्रेन के सराउंडिंग का स्पेस जो है वो कम होता रहेगा और कम होने की वजह से ये जो पानी है जिसको हम CSF बोलते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और ये जो है वो आपका हेडेक का रीजन रहेगा। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो पेशेंट है उनमें सीवियर हेडेक रहता है। ये जो हेडेक है वो मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा रहता है क्योंकि ये जो ट्यूमर है वो क्या करता है, कंप्रेस करता है आपके ब्रेन सेल्स को। देन सेकेंडली हमने क्या देखा था, सीजर्स। अभी सीजर्स क्या रहता है, इसको हम इपिलिप्सी ऐसा बोलते हैं। इपिलिप्सी क्यों हो जाता है, जो आपका ब्रेन है वहाँ पे बहुत सारे वायर्स है, नर्व्स जो है उनको वायर्स ऐसा बोलते हैं और ये वायर्स जब एक दूसरे को चिपक जाती है तो वहाँ पे स्पार्किंग जनरेट होता है और ऐसा स्पार्किंग जो है वो आपके ब्रेन में सीजर्स डेवलप करता है। सो ब्रेन ट्यूमर जो है वो क्या करता है, ये जो नर्व्स है उनको कंबाइन करता है और उनमें जो है एक में एक चिपक जाने की वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास आउट होता है उसको इंटरप्शन आता है और उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है। ब्रेन सीजर आनी ये आपके ब्रेन ट्यूमर की फर्स्ट साइन रहेगी। ये जो है वो कभी भी आ सकती है। अभी ऐसा नहीं है कि सीजर जो है वो आती है तो ब्रेन ट्यूमर है ही, ऐसा कंसिडरेशन नहीं, या हेडेक है इसकी वजह से आपको ब्रेन ट्यूमर है, ऐसा नहीं रहता है। थोड़े बहुत जो सिम्टम्स रहते हैं वो अलग टाइप के रहते हैं, मीन्स यहाँ इसमें जो हेडेक रहता है वो बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, मॉर्निंग के टाइम में रहता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता और डे बाई डे ये जो हेडेक है वो बढ़ जाता है। वैसे ही इसमें जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है उसको सीजर है और सीजर कभी तो आएगी, इसको ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यूस सीजर आएगी, और ऐसा भी नहीं रहता कि ये जो पेशेंट्स है कभी कभी किसी पेशेंट को सीजर आती है इसका मतलब इसको ट्यूमर है, ऐसा भी कंसिडर नहीं किया जाता है। एक साइन रहता है, एक सिम्टम्स रहता है कि जनरली ऐसे जब चेंजेस आपको दिखाई देते तो आपका चेकिंग करेंगे तो बेटर रहता है। तो क्या क्या चेंजेस रहेंगे, हेडेक रहेगा, सीजर रहेगा, ओके, नोशिया वोमिटिंग रहेगा क्योंकि हार्मोनल चेंजेस में चेंज हो जाएगा। नोशिया वोमिटिंग क्यों हो जाता है, आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रिट करता है। हार्मोन्स आर द केमिकल्स, हार्मोन क्या है, केमिकल्स है, और ऐसे केमिकल्स प्रॉपर सिक्रिट नहीं होंगे तो आपको नोशिया वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। देन विजन में इशू रहेगा, हेयरिंग में इशू रहेगा, आपको स्लीपिंग पैटर्न जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूजन जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी रहती है ट्यूमर। नेक्स्ट सिम्टम्स हमने क्या देखा था, नोशिया वोमिटिंग। नोशिया वोमिटिंग क्यों हो जाता है, मैंने बोला अभी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। सो इंक्रीज करता है प्रेशर आपके ब्रेन के ऊपर और इसकी वजह से आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट ऐसा नहीं रहता है कि ये जो नोशिया वोमिटिंग है तो आपको ट्यूमर ही होगा,
इसमें जो है वो आपको फूड पॉइजनिंग या इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस रहता है या प्रेगनेंसी, ऐसे अलग भी रीजन रहते हैं जिसमें आपको नोशिया ओमेटिंग होने के चांसेस रहते हैं। ये जो ओमेटिंग रहती है ये बहुत सीवियर रहती है और प्रोजेक्टाइल रहती है। जो फ्लू में या आपको प्रेगनेंसी में या फूड पॉइजनिंग में जो ओमेटिंग होती है उससे बहुत डिफरेंट ये जो ओमेटिंग रहती है वो होती है, और आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ओमेटिंग है वो आपको ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रही है। देन फटीग, फटीग मीन्स क्या, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं आप इजिली। अभी ये जो फटीग है या टायर्डनेस है वो आपको ब्रेन ट्यूमर के इसमें हो जाती है। आपके जो लिम्स है उसमें हेवीनेस आ जाता है, आपकी बॉडी जो है वो पूरी वीक हो जाती है, आपको जो है वो स्लीपी नेचर आ जाता है, ड्राउजीनेस आ जाता है, इसको ड्राउजीनेस बोलते हैं, नींद आई ऐसा लगता है, आप जो है वो फोकस नहीं कर सकते और छोटी छोटी रीजन में आप इरिटेबल हो जाते हैं। जो फटीग है जिसमें टायर्डनेस होता है, पूरा बॉडी जो है वीक हो जाता है और आपके हाथ में नमनेस आ जाता है, हेवी हो जाते हैं आपके हाथ, आपको चलने में दिक्कत आ जाती है, आपको ऐसा नींद आया ऐसा लगता है, ये भी आपका ब्रेन ट्यूमर का साइन रहेगा। ये जो साइंस रहते हैं वो आपके ब्रेन के चेंजेस में, ब्रेन में कौन से भी चेंजेस हो जाते हैं तो ऐसे जो चेंजेस है वो आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज द मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन। आपको तो मालूम है आपका जो ब्रेन है वो मेमोरी का हाउस है, और ब्रेन में जब ट्यूमर डेवलप होगा तो उसमें ऑब्वियसली जो मेमोरी लॉस है वो हो जाएगा, क्योंकि आपका पैर है तो पैर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको चलने में आता है क्या, नहीं, वैसे ही आपके ब्रेन में जब प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली आपके मेमोरी को वो अफेक्ट करेगा। कहाँ पे भी ब्रेन में ट्यूमर रहेगा तो आपको मेमोरी प्रॉब्लम रहेगा, मीन्स आपके जो फ्रंटल लोब रहते हैं, जो आपका फोरहेड है उसके पीछे का पार्ट और जो आपके कान के नीचे का पार्ट है वहाँ पे जो आपको ट्यूमर रहता है तब आपको मेमोरी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे जो ट्यूमर है वो आपको रीजन नहीं दे सकते, आप डिसीजन नहीं रह सकते, ऐसे ट्यूमर जो है वो भी वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं जो आपके फ्रंटल और पैराइटल लोब में रहता है। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, फोकस नहीं होते, छोटे भी मैटर में आप बहुत कंफ्यूज लगते हैं, मिस टास्क रहते हैं, ट्रबलिंग रहते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते, आपको जो है वो थोड़ी देर के लिए मेमोरी लॉस, ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाई देते हैं। सो ये जो मेमोरी लॉस है वो आपको कन्फ्यूजन, आप कौन सा भी डिसीजन नहीं ले सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते, ऐसे जो चेंजेस है वो आपके ब्रेन में आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।